भारत रत्न पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तय सभी जनता जनांदर से अनुरोध है भारी से भारी संख्या में पहुंचकर मेले की शोभा यात्रा बढ़ाएं। Thank you.
धूप में बहुत मेहनत करते हुए बड़ी तपस्या की है, उन सबको मेरा नमन वंदन। बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। ऐसे देवता को मैं अपने सर को रख करके उनके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। भगवान, हमारे जीवन में ऐसे देवता का पदार्पण हुआ, हमारे जीवन में ऐसा देवता मिला हमें जिसने हमारे जीवन को बनाया, हम सबको धन्य बनाया। आज 132वां जयंती पर्व बाबा साहब का मनाया जा रहा है। बड़ी बात है, संकोच कर रहे हैं हमारे सभी जन, जो मोहल्ला के लोग हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे इतनी मालाएं रखी हुई हैं कि जो भैया डालना चाहे माला डाले बाबा साहब के गले में। आज ये बड़ा उत्तम बेला है, पावन पर्व है, हरि कृपा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जिसने मैं ऐसा देवता दिया बाबा साहब के रूप में, जिन बाबा साहब के चरणों में निरंतर दिन रात हम नमन करें तो भी कम है, क्योंकि देवता उसे कहते हैं जो कुछ देता है। आज हम सब, हमारे कुलदीप प्रधान हैं अरवा से, या हम छाछा से प्रधान हैं, या ब्लॉक प्रमुख हैं, ये सिर्फ हमारे इसी देवता की देन है जो आज हम ये पदस्थ हैं, या हम जो प्रतिनिधि बने हैं, जन प्रतिनिधि बने हैं, ये बाबा साहब के चरणों की देन है। अगर बाबा साहब न होते तो आज हम प्रधान नहीं होते, प्रमुख नहीं होते। ये सब देन इन महान देवता की है, जिनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लोगों ने एक जाति का बना करके रखा, माने लोगों ने माना कि बाबा साहब समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो हम